अगर तू खाने पीने में और बात नहीं करूंगा, और बात नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। तुझे तो पता है कमेंट में क्या बोला था, अनु भाई से तो जीत नहीं पाते इसलिए मेरे से कंपटीशन। शिल्पाली तेरे से कम दाढ़ी है मेरी। शेक चैलेंज करेंगे, मेरा मैंगो शेक है, इसका चॉकलेट शेक है। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज का vlog इतना ही शानदार और जानदार होगा कि नहीं पता नहीं, पर क्योंकि शुरुआत ही मेरी अभी सुबह सुबह उठा हूँ, 8:15 हो रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वो शिमला वाला तुम्हें याद है ना, जब मैं शिमला गया था तो उस टाइम पे भी बहुत दर्द हुआ था, तो बस अभी एक्सेस में होने लग गया था दर्द फिर से। तो मैंने अभी सोचा कि छुट्टी है, जाकर दिखा कर आ जाता हूँ डॉक्टर के पास, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सारे सो रहे हैं और मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल तो मैं पहुँच गया, ये रहा मेरा कार्ड। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ क्योंकि रश बहुत होता है, और आज के पर मेरा एक फ्रेंड है वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है मेरी। अब बाहर आकर ही मैं व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ कैमरा निकालना ना तो मेरा कैमरा भी ले जाएंगे और मेरा इलाज भी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं बाहर आकर व्लॉग शूट करूँगा। डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया था, वो भी मैंने करवा दिया। अब उन्होंने बताया क्या बोला, मेरी पीठ पे ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच पड़ गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना तनाव पड़ गया, खींच पड़ गई है, जिसकी वजह से मुझे इतना पेन हो रहा है पैर में। और वो कहते हैं अगर मैंने टाइम टू टाइम प्रिकॉशंस नहीं लिए ना तो वो डिस्क में कन्वर्ट हो सकता है, और डिस्क की प्रॉब्लम बहुत बुरी होती है, उन्होंने ऐसा कहा। तो पता नहीं, उन्होंने कहा कि जब भी सोना है तो तकिया घुटनों के बीच में फंसा के सोना है, भारी सामान नहीं उठाना, एक्टिवा चलानी अभी अवॉइड करनी है, और ज़्यादा चलना नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ प्रिकॉशंस बताए, और मेडिसिन दी हैं काफ़ी सारी, मैंने मेडिसिन भी ले ली है, ये भी भर कर दिया, पता नहीं पीने के लिए भी दिया है कुछ। तो उन्होंने कहा अगर मैं टाइम टू टाइम इसको फॉलो कर लूँगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ ये बढ़ गया और डिस्क में कन्वर्ट हो गया तो लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट रहेगा, उन्होंने ऐसा कहा, वर्ड टू वर्ड उन्होंने ऐसे ही कहा। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद वापस आना है, दिखाना है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है इंप्रूवमेंट, वो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये देखो यहाँ पर शायद से अमित शाह आ रहा है, हार्दिक अभिनंदन अमित शाह। हाँ, तभी ना इस पूरी सड़क पर पुलिस वाले हैं, और हर जगह ना क्या बोलते रोक रखा है हर किसी को। मैं 3-4 दिन से सोच रहा था जब भी इस रूट पर आओ ना तो यहाँ पर हमेशा ही इतनी ज्यादा भीड़ कर रखी है, पुलिस वाले खड़े रखे हैं और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब पता लगा अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इतनी ज्यादा साफ सफाई, हर कहीं पर पेंट हो रहा था, सड़कें साफ हो रही थी, तो अमित शाह आ रहे हैं इसलिए अच्छा इतनी ज्यादा सिकनेस हो रखी थी यहाँ पर। अभी मैं सोच रहा था कि अनु और रोनी के साथ ना मूवी देख कर आऊँ, बट उससे पहले मुझे रूपाली की कॉल आ गई, वो कह रही है उसको कुछ योगा के ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, तो वो कह रही थी कि आ जाए, हेल्प वगैरह हो जाएगी थोड़ी। तो अब मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, अब जब जा ही रहा हूँ तो कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए, बस अब खाना खाऊंगा जल्दी से और निकल जाऊंगा। आज के दिन रूपाली को शॉपिंग करनी थी, इसने मुझे शॉपिंग के लिए बुला तो लिया, इतनी जोर की बारिश हो रही है, इतनी जोर की बारिश हो रही है ना, सच बता रहा हूँ मुझे अभी ड्राइव करते वक्त भी ना दिख नहीं रहा है सामने ढंग से कि मतलब व्हीकल्स कैसे आ रहे हैं, मुझे बहुत स्लो चलानी पड़ रही है, आज ही करना था इसको जो भी करना है। और यार हाँ, एक और मुझे अभी याद आ गया कि एक ने रिक्वेस्ट करी थी, काफी टाइम से करी थी कि एक वो वाला गाना गाना है अगर तुम साथ हो, तो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते हुए मैं गाना गाते ही जा रहा होता हूँ, इसलिए मुझे अभी ध्यान आया, मैंने कहा उठा लेता हूँ और एक गाना गा देता हूँ, तो मैं वो वाला गाना गा देता हूँ, ठीक है। तेरी आँखों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की, ओ दिल लफ्जों की नाराजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। गा दिया यार, जैसा मर्जी गा दिया, अभी बाहर बहुत शोर हो रहा है बारिश का, तो मुझे नहीं लगता आवाज आई होगी, अगर आई होगी तो यार इतने में एडजस्ट कर लेना, ऐसा ही था बस हमारी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने गा दिया। अब जल्द से जल्द रूपाली के पास पहुंचते हैं, फिर शॉपिंग के लिए भी निकलना है, आज बारिश बहुत हो रही है। तो मैं फाइनली मार्केट आ चुका हूँ, ये मिल चुकी है, ये भी आ गई, पर इसका एक ये था, इसने मना कर दिया शॉपिंग के लिए, पता नहीं इसने ऑनलाइन चेक करा जहाँ इसको जाना था डीकैथलॉन, वहाँ पर कहती है नहीं है, मतलब इसको योगा ड्रेसेस लेने थे वहाँ नहीं थे, तो मेरा कुल मिलाकर ट्रिप बच गया, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो अभी ऐसी मार्केट में कुछ खाने पीने आ गए थे, खा लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है वहाँ जाने से। शेक पी लेते हैं, कौन सा शेक पी, चॉकलेट। मेरा वैसे सच बताऊँ तो शेक पीने का मन नहीं कर रहा, बट एक कंपनी देने के लिए मैं कोई ना कोई सा शेक पी लूँगा। भैया एक चॉकलेट शेक बना दो और एक मैंगो शेक बन जाएगा, एक मैंगो शेक बना दो, स्ट्रॉ दे देना। अभी एक्चुअली हम दोनों ने क्या डिसाइड करा है कि हम शेक चैलेंज करेंगे, मेरा मैंगो शेक है, इसका चॉकलेट शेक है, कि कौन जल्दी पीता है। इसने मेरे साथ पहले भी कहा था एक बार कि शेक में आ जियो, पर अब यहाँ पर पंगा ये है, पंगा यहाँ पर ये है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पी लेंगे,
ये स्ट्रॉ के साथ पीना है। अब मेरा ऐसे तो ये ऐसे पूरा काफी आग। इसका जो है चॉकलेट शेक है, और चॉकलेट शेक के अंदर कुछ भी हर्डल नहीं आएगा। मेरा मैंगो शेक है, मैंगो शेक में कितने हर्डल होते हैं, कितने सारे हर्डल होते हैं। एक सेकंड, तो चलो मैं इसका दिल रख लेता हूँ कि स्ट्रॉ के साथ ही पीनी है, और मैं उसमें भी इसकी बैंड चाहता हूँ। मेरा गिलास बड़ा है, एक दो दिन देखो अब इससे ज्यादा आ नहीं सकता। हेलो, अभी क्या आधा भी नहीं हुआ इसका, ये भी ठंडा था। पर एक जज्बा होना चाहिए बंदे के अंदर, जीतने का जज्बा। बताओ क्या जीतेंगे मुझसे यार, कल की लौंडिया। तुझे ना पता कमेंट में क्या बोला था अनु भाई, इससे तो जीत नहीं पाते इसलिए मेरे से कंपटीशन मेरे से कर ले तू। किस में? हाई प्लैंक में कर ले। अबे हाई प्लैंक में कर ले, आसन कर ले, आजा कुछ हाई प्लैंक कर ले। आजकल मेरे पैर में चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको ठीक होने दे फिर बताता हूं। अनु के साथ ना अब एक अच्छा सा चैलेंज करेंगे, और पूरी कोशिश डेडिकेशन के साथ खेलना पड़ेगा। अपनी इज्जत वापस चाहिए मुझे, ठीक है। अरे एक मस्त करूंगा, वो जीतूंगा पक्का। अच्छा लिक्विड वाला ही करूंगा, एक दिन ऐसे करेंगे, रोनी तेरी टीम में, अनु मेरी टीम में, टीम वाइज करेंगे। कर लेंगे टीम वर्क भी कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वर्कआउट वाला सीन है तो हम दोनों जीतोगे तुम। वर्कआउट वाले में हम हार सकते हैं, क्योंकि अन्नू वहाँ से बॉडी बिल्डिंग हो गया, ये योगा की होगी, रोनी और मैं दोनों कामयाब है, तुम्हें पता ही है। खाने में भी हम भी जीत लेंगे। चले कहीं और चलते हैं, कुछ और खाते हैं, ठीक है। मैं ये देखकर आता हूँ। अभी रूपाली के घर पर आके मैंने गाड़ी पार्क करी, थोड़ा सामान वगैरह लेकर आया खाने पीने के लिए, ऊपर बैठ के थोड़ा फिर खा पी के टाइम पे निकलेंगे। मॉम डैड भी आज अम्बाला गए हुए हैं अन्नू के साथ, रोनी अकेला घर पे, मैं भी टाइम पे घर चला जाऊँगा। क्यों लाइट चली गई? अभी मैंने बैग ही रखा था वहाँ। एक तो पंजाब में ना ये सीन बहुत है, लाइट बहुत जाती है, चंडीगढ़ में नहीं जाती, पंजाब में बहुत जाती है। ये मैट मूट लेकर आई हुई है, यहाँ बाहर बैठना पड़ेगा। अरे मौसम तो अच्छा है, बारिश हो रही है, यहाँ भी होगी थी, पहले नहीं हुई थी बट होगी। यहाँ से व्यू देखो बड़ा सही है, मतलब व्यू अच्छा नहीं है, घर ही घर है। अब शहरों में ऐसे ही होता है भाई। यार मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, ये देख रूपाली तेरे से कम दाढ़ी है मेरी। मजाक कर रहा। अभी ना हम मार्केट से ये अमृतसरिया कुलचा और नान लेकर आए थे, भाई साहब इतना टेस्टी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, किसने एलिमिनेट कर दिया अपने आप को, ये कह रही मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल। ये पेट है मेरा, देर से रखूंगी। हमने बाहर भी खाया था पर मेरे लिए तो अच्छी बात है, एक बंदा एलिमिनेट हो गया। तो यार अपन लोगों का खाना पीना हो चुका है, अब मैं घर निकलता हूँ। और आज इसको मैंने बहुत बुरे तरीके से हराया, कुछ दिनों तक अब इसकी आंखें नीचे रहेंगी। क्यों रहेगी नीचे? क्योंकि रहनी पड़ेगी, जिस तरीके से तू हारी है ना। देखिए सर, देख नीचे हुई ना आंखें, ऐसे रहेगी। वो अच्छे बंदों की हाइट लंबी होती है। इसको तो यार क्या ये मानती नहीं है कभी, कुछ लोग होते ना जो मानते नहीं है, उनमें से है, मानने नहीं चाहिए। वो अंकित तेरे को कमेंट्स आते हैं तेरे फैंस के कि अंकित कभी मानते नहीं है कि वो हार रहे हैं। आज तो मैं क्लियरली जीतता हूँ, आज भी अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, बताओ कहाँ जाऊँ। तो खाने पीने में भी और बात नहीं करूंगा, और बात नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मॉम डैड भी अम्बाला से आ गएंगे, अन्नू भी आ जाएगा, पौने सात, पता नहीं साढ़े सात हो चुका है, पौने सात कह रहा हूँ, साढ़े सात हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लेट हो चुका हूँ। मॉम डैड से भी डांट खाऊंगा, कॉल्स भी आ चुकी है उनकी, तो सीधे अब घर पे मिलता तुम सबसे। हाँ घर पे मिलता, चल ठीक है, ओके बाय, ओके टेक केयर, खाना पीना खाओ तुम अपना, अपन निकलते हैं। तो यार घर वापसी अपनी हो चुकी है, डांट भी हमने खा लिया, खाना भी हमने खा लिया, वो भी सो गया, रोनी अपना भी काम कर रहा है, और मैं भी बस एडिटिंग करने लगा हूँ। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप तुम सबको मजा आएगा। मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हमेशा की तरह, बोलने की वैसे जरूरत है नहीं तो हमेशा कर देते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखो।